दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव आज, ओम बिरला और के सुरेश के बीच मुकाबला। सत्तारूढ़ दल बीजेपी और एनडीए ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है, तो वही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को मैदान में उतारा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 4 दिन बाद अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। शुक्रवार को आतिशी ने इस संकल्प के साथ आमरण अनशन शुरू किया था कि दिल्ली को जब तक हरियाणा की तरफ से 1000 MGD अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाता, वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। उनके इस अनशन में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का भी नैतिक समर्थन मिला था। हालांकि लोकसभा चुनाव में साथ रहे कांग्रेस ने इस सत्याग्रह में उनका साथ नहीं दिया और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने उनकी जमकर आलोचनाएं की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय राय की गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ कई अन्य धाराओं के साथ चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग पर यूपी सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। राय ने सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतिम रोक लगाने की भी मांग की गई है। बिहार के पूर्णिया जिले से बतौर निर्दलीय सांसद चुनाव जीतने वाले सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंगलवार को सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के सांसदों पर भड़क गए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं 6वीं बार सांसद बना हूं, आप कृपा से जीते हैं और मैं अकेले जीता हूँ। साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान फिर से नीट परीक्षा कराए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक प्रेमी और प्रेमिका के विवाह का अजीब घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार की रात एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। दोनों एक कमरे में गलबलिया कर रहे थे। उस समय लड़की के घर वाले आ गए और युवक को बंधक बना लिया। इसके बाद लड़की के घर वालों ने युवक को बुरी तरह से पिटाई की और फिर उसके घर वालों को बुला लिया। हालांकि थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और फिर पास के एक मंदिर में जाकर दोनों की शादी कराई गई। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। सरकार ने एक झटके में 2 दर्जन से अधिक IAS और IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें बांदा की DM दुर्गा शक्ति नागपाल भी शामिल है। सरकार ने उन्हें प्रतीक्षा सूची में डालते हुए IAS नागेंद्र सिंह को बांदा का DM बनाया है। इसी प्रकार कासगंज में मेघा रूपम को DM बनाया गया है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट बिना 18 यात्रियों के लिए उड़ गई। जब यात्रियों ने एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हंगामा किया। उनके आने के पहले फ्लाइट चले जाने से वे गुस्सा हो गए। उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। काफी देर तक एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा चलता रहा। मुंबई में होर्डिंग हादसे में वरिष्ठ IPS अधिकारी कैसर खालिद को सस्पेंड कर दिया गया है। ADG रैंक के अफसर कैसर खालिद इस हादसे के वक्त रेलवे कमिश्नर थे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुए इस घटनाक्रम की जांच में पाया गया कि होर्डिंग हादसा खुद उनकी लापरवाही से हुआ था। इसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने खुद इस हादसे की होर्डिंग लगाने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए DG ऑफिसर से अप्रूवल लेना उचित नहीं समझा था। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के शाहपुर स्थित उपजिला अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ खेलते समय पैर में चोट लगने के बाद एक बच्चा इलाज कराने पहुंचा था। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की और कहा कि पैर का ऑपरेशन करना होगा। परिजनों की सहमति मिलने के बाद डॉक्टर बच्चे का ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उनका प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। बाद में मामले की जानकारी होने पर बच्चे के परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। पुणे हिट एंड रन मामले में मुख्य नाबालिग आरोपी को आखिरकार जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि नाबालिग आरोपी को अवैध हिरासत में रखा गया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी, इसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आखिरकार इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इस फैसले में नाबालिग आरोपी को बड़ी राहत मिली है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। कंगना हाल ही में सांसद के रूप में शपथ लेने और संसद सत्र में भाग लेने दिल्ली आई थी। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना दिल्ली में महाराष्ट्र सदन का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र निवास का मुख्यमंत्री स्वीट पसंद आ गया था। उन्होंने अस्थायी रूप से स्वीट बुक कराने की मांग की, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार उन्होंने ये कमरा आवंटित नहीं किया गया था। प्रशासन ने उन्हें सीएम स्वीट देने से मना कर दिया। इसे लेकर महाराष्ट्र में जमकर सियासत हो रही है। मुंबई में पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बाणगंगा सरोवर के नवीनीकरण और सफाई के दौरान सीढ़ियों को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठेकेदार ने सरोवर की सीढ़ियों पर बुलडोजर चला दिया है। मामले की जानकारी होने पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक मंगल प्रभात लोंढा ने मुंबई पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेशी होनी है। उनके खिलाफ अमित शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में मानहानि का केस चल रहा है। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी को इस मामले में बीते दिनों कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पुणे पुलिस ने एक स्थानीय बार में कथित तौर पर मादक पदार्थ के इस्तेमाल के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पुणे का है जबकि दूसरा मुंबई का रहने वाला है। इसी के साथ मामले की गिरफ्तार लोगों की संख्या कुल अब 16 हो गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारत में केन्या में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। केन्या में टैक्स बढ़ोतरी को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। अफ्रीकी देश में उत्पात मचा हुआ है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय को अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पवन कल्याण आज से देवी वाराही को समर्पित 11 दिवसीय वाराही विजय दीक्षा उपवास करेंगे। इस अवधि के दौरान वो केवल दूध फल और पानी का सेवन करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लगातार दो दिन से दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर रही है। साथ ही CBI को सीएम केजरीवाल को बुधवार को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति मिल गई है। उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, जबकि जमानत से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव में पस्त हाथी में जान फूंकने के लिए मायावती ने फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतारा है। आकाश पहले की तरह ही BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे और पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। BSP में आकाश की मजबूत वापसी के बाद राजनीतिक दलों के भीतर नफा नुकसान की चर्चाएं तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भोजपुर में बिजली चोरी की सूचना पर जांच करने पहुंची विद्युत विभाग की टीम को घेर कर मारपीट की गई। विद्युत विभाग की टीम को बिजली चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर JEE समेत 8 कर्मचारियों की टीम चेकिंग करने के लिए यहां पहुंची थी। चेकिंग करने पहुंची टीम पर वहां रहने वाले कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और इनकी जमकर पिटाई कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई। कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश के 3 बड़े शहरों गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरी आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में।
मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाए जॉब हमारी प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICA Edu Skills Private Limited। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट थर्ड फ्लोर अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर डॉक्टर मुंजे मार्ग थंतोली नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट अकेडमी। कियान करवाएगा IIT JEE NEET AIIMS KVPY MHT CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट प्लॉट नंबर 2 ओंकार नगर बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल जयवंत नगर नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।